नमस्कार दोस्तों, आज बहुत दिन के बाद फिर मैं आया हूँ। पिछले एपिसोड में हम नेफा के बारे में थोड़ा कुछ बोला था, आज थोड़ा और ऐड करना चाहूँगा। हमने नेफा समय में ही पढ़ाई शुरू किया था, मोस्ट प्रोबेबली 1967-68 में हमने पढ़ाई शुरू किया था, और मेरा पहला स्कूल था पांग बस्ती में। सगाली के नज़दीक एक बस्ती है, वहाँ एक प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, वहाँ हमने पढ़ाई शुरू किया था। और उस समय जैसे हमने आगे कहा था कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन असमिसी था, और उस समय का एक टीचर को आज भी हम याद हैं। और भी टीचर था होगा, लेकिन आज याद नहीं है उन सबको, लेकिन एक का नाम तो आज भी याद है। उनका नाम था डॉक्टर सर। इसलिए याद है क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट था, उनका हाथ में हमेशा एक छड़ी हुआ करता था। जब भी हम गड़बड़ करते थे पढ़ाई में, कभी कभी हम लोग चूक जाते थे, तो उस समय हम लोग को एकदम ठीक से पिटाई करता था और हम लोग बहुत डरता था। तो इसलिए आज भी याद है दत्त सर। तो हमने एक या दो साल ही नेफा में हम पढ़ाई किया, उसका बाद हमको मेरा पेरेंट्स ने हमको भेज दिया बहुत दूर असम में, नॉर्थ लखीमपुर में। वहाँ एक स्कूल है, अभी भी है, जॉन फर्ड मिशन स्कूल बोल के, वहाँ हमको क्लास बी में दाखिल किया। क्लास बी मतलब आजकल बोलते हैं LKG UKG, उस समय में क्लास ए और बी, क्लास ए फर्स्ट आएगा, उसके बाद बी, उसके बाद क्लास वन, ऐसा सिस्टम था। तो क्लास बी में हमको वहाँ एडमिट किया, नॉर्थ लखीमपुर जॉन फर्ड मिशन स्कूल में। तो 1969 में था वो। 1969 से लेके 1979 तक, यानी क्लास नाइन तक, जॉन फर्ड मिशन स्कूल में हमने पढ़ाई किया। तो जॉन फर्ड मिशन स्कूल का कुछ टीचर्स का नाम आज भी याद है, जैसे गुलाब बसुमतारी, अब्राहम सर, जाफेद सर, तिलू बायदो, लावण्य मैडम, मीरा बायदो, इन लोगों को आज तक याद है। और याद करने का भी रीज़न है, कुछ कुछ रीज़न है इसलिए, क्योंकि बहुत टीचर्स था लेकिन सबको याद नहीं आज। रीज़न ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल गुलाब बसुमतारी हम लोग का हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट था, तो सुबह शाम उनको हम लोग देखते थे, और खाना पीना का भी इंचार्ज वही था। और अब्राहम सर हम लोग को प्राइमरी क्लासेस में मैथ्स पढ़ाता था, और कभी कभी कहानी भी सुनाता था। उस समय कहानी का भी एक पीरियड हुआ करता था। और जाफेद सर हम लोग को इंग्लिश पढ़ाता था। हम लोग को, हमें याद है, क्लास थ्री में हम लोग ABCD पढ़ना शुरू किया, तो क्लास थ्री में जाफेद सर हम लोग को इंग्लिश पढ़ाता था। और तिलू बायदो बेचारी, वो हैंडीकैप थी, फिर भी हम लोग को आके पढ़ाती थी। वो हायर क्लासेस में क्लास 7-8 में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग को पढ़ाती थी। और लावण्य मैडम को इसलिए याद है कि बहुत खूबसूरत थी वो, और लंबी बाल थी उनका, और वो आके हम लोग को साइंस सब्जेक्ट या सोशल साइंस सब्जेक्ट पढ़ाती थी, तो इसलिए याद है। और मीरा बायदियो को भी हम लोग बहुत डरता था, क्योंकि वो हम लोग का प्रिंसिपल थी, बहुत वेल बिल्ट और बहुत स्ट्रिक्ट थी वो, इसलिए उनको भी याद है आज। टीचर्स को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आज बहुत टीचर्स लोग का नाम हम भूल गया है, मुझे खराब लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं सब टीचर्स को मैं आज धन्यवाद देना चाहूँगा। आज जो भी हूँ मैं, उनके बदौलत हूँ। उन्होंने जो ज्ञान दिया है हमको, जो हमको सीख दिया है, लेसन दिया है, मेहनत किया है हमारा पीछे, तो उनके बदौलत आज मैं जो भी हूँ, उनके बदौलत हूँ।
हमको रेगुलर टीचर नहीं होने से भी हमको ज़िंदगी में बहुत लोग बहुत कुछ सिखाया है, जैसे म्यूजिक सिखाया हमको, हमको कुछ ड्रामा करने के लिए सिखाया है, कुछ डिक्लेमेशन पढ़ने के लिए हमको सिखाया है, ड्राइंग पेंटिंग करने के लिए सिखाया है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए सिखाया है, सब मेरा टीचर्स थे। तो आज जो भी हूँ उनके बदौलत हूँ, मैं ये कहना चाहूँगा आज। तो आप लोग सब मेरे बात से सहमत होंगे कि हम सब अपने टीचर्स को हमेशा याद करना चाहिए और वी शुड बी ऑलवेज थैंकफुल टू देम। तो इस सीरियस नोट के बाद मैं फिर मूड को थोड़ा लाइट कर दूंगा और मैं एक गाना सुना दूंगा आपको, तो लीजिए। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदलाए मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं गीत तेरे बोलो पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं मेरे गीतों में तुझे दूं दे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते एक मैसेज मैं छोड़ के जाना चाहूँगा कि अपना टीचर्स को कभी भी मत भूलिएगा। सकने से फ़ोन उठाइए, उनको कॉल कीजिए और हालचाल पूछिए, और सकने से चले भी जाइए उनके पास, उनको बहुत अच्छा लगेगा। देन टिल वी मीट अगेन इन माई नेक्स्ट एपिसोड, प्लीज कीप स्माइलिंग एंड remain fit. Namaskar.